ये कुछ इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं और कुछ आने वाले समय में जो नया इतिहास हमारा देश फिर से बनाएगा उसकी बात करते हैं। सदियों से भारत को महान कहा जा रहा है, पूरे विश्व में सिर्फ हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। इतिहास गवाह है कि ना ही कोई भारतीय अपना देश छोड़ के बाहर गया था, बल्कि सदियों पहले भारत के साथ व्यवहार बढ़ाने के लिए और खुद के विकास के लिए परदेशी हिंदुस्तान में आए थे। जनसंख्या में पूरे विश्व में दूसरे क्रम में है हमारा देश भारत। इसकी आबादी तकरीबन 120 करोड़ तक की है। यही लोगों की इच्छा शक्ति, मेहनत एवं महत्वाकांक्षा हमारे देश को आधुनिक निर्माण का स्पर्श और विश्व की महाशक्ति बनाने में जुटी हुई है। इसी भारत का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा प्रदेश जो उसका पहले से ग्रोथ इंजन रह चुका है और आज भी है। ये वो है राज्य जहां पे भारत को आजाद करवाने की नींव रखी गई थी। ये वो है प्रदेश जिसने पूरी दुनिया को बड़ी से बड़ी विभूति दी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व के साथ बांटी और जिस राज्य के पास 1600 किलोमीटर लंबा दरिया किनारा है, शायद आप समझ ही चुके हैं कि मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, जिसे दुनिया बिजनेस का गेटवे भी कहती है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी व्यापार के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। देश का सबसे विकसित राज्य गुजरात, 6 करोड़ गुजरात वासियों की रग रग में महत्वाकांक्षा भरी हुई है। चल के गिरना और गिर के फिर संभलना, वो हमारे खून में है। समय से आगे की सोच रखता है गुजरात। देश में सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नया कानून बनाया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं आम आदमी को सुलभ हुई। गुजरात की आदत हर बार विराटकाय परियोजनाओं को साकार करने की रही है, जिनके उत्कृष्ट उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। इंडियाज लार्जेस्ट डैम, एशियाज बिगेस्ट लेन नेटवर्क, एशियाज बिगेस्ट ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी, इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ऑल विलेज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंडियाज फर्स्ट केमिकल पोर्ट, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इन ऑल विलेजेस, और ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का घर है गुजरात। गुजरात खुद का हिस्सा बढ़ाने में और औरों को अपना हिस्सा देने में मानता है, इसीलिए पिछले कई सालों से सर्वोच्च स्थान पे टिका हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है। अब गुजरात फिर से और एक बार अपनी विकास गाथा नए आयाम को छूने जा रहा है। गुजरात स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का निर्माण करने जा रहा है, जो पूरे देश की औद्योगिक एवं आर्थिक सूरत बदल कर रख देगा, और वो है धोलेरा। धोलेरा SIR, bigger than biggest SIR in the world, धोलेरा SIR। किसी भी जगह को एक ऊंचे आयाम पे जाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकताएं होती है, उससे भी कहीं ज्यादा धोलेरा में है। कोई भी लैंड की कीमत तब ही होती है जब वहां पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो। और उसके अलावा The airport is strategically located amongst the big cities of the state. Dholera Airport will be well connected via express highway and metro railway. 1,426 hectares of government land has been reserved at Nawagaon village of Taluka Dholera in Ahmedabad district. The measurement and demarcation of the site is carried out by District Inspector of Land Records, Ahmedabad. The site can accommodate 2 runways of 2,910 meters and 4,000 meters with parallel taxiways. Airport Authority of India has prepared the feasibility report, detailed project report and environment impact assessment. Japan International Cooperation Agency JICA has also prepared and submitted a detailed project survey independently. DMICDC has equity stake in Dholera International Airport Company.
While the state government is committed to public investment in core infrastructure, it is also open to attracting private investments. The SIR will be governed by a new SIR Act, another first of its kind in India. The state government has already enacted the SIR Act. SIR is a self-governed economic region enjoying global benchmarks. It has the full support of the central government and the commitment of the state government and its leadership. It has the logistics support of the upcoming Dedicated Freight Corridor, or DFC, between Delhi and Mumbai. The SIR will be serviced by the Gujarat International Finance Tech City, which is better known as GIFT. The Dholera SIR is a lifetime opportunity. The SIR offers a gamut of opportunities. Opportunities that exist in building its infrastructure. Opportunities that exist in setting up industries or other economic activities. Opportunities that exist in building landmark buildings. Buildings that will be remembered by generations to come. Be in the SIR. Make it your workplace. Make it your home. Being in the SIR makes strong business sense. Gujarat can and Gujarat will. Gujarat can do it because Gujarat has made similar landmarks. The vision of the leadership is clear. The Dholera SIR is going to be a global reality much before you foresee. The state government has already commenced work on the central spine of the SIR. It has allocated 26,000 hectares of land for the SIR, in addition to allocating 1,700 hectares of land for the international airport located near the SIR. And anchor tenants are already in place. Yes, it is going to happen. Because Gujarat has faith in itself. It is going to happen because investors have faith in Gujarat. The people of Gujarat are known for creating. They create life, they create wealth, and they create happiness. Gujarat possesses the vastness of the sea and the majesty of the Asiatic lion. Being in the SIR is being ahead of the times. Invest in Dholera SIR. Invest in your future. Dholera SIR. New Gujarat within Gujarat. फॉरेन में पानी का हाँ काफी अच्छा फॉरेन का कलर और आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी काम चालू होगा ना पीछे तरह हाँ यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे ये क्या बन रहा है इधर ये तो ये है केनाल वाला एरिया वाटर जो बना रहे हैं वाटर क्या बोलते हैं उसको रिजर्वर वाटर रिजर्वर इसमें से पानी जाएगा ना हाँ वही वाटर रिजर्वर पीछे के हिस्से में इसका वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा पीछे करता राइट टर्न राइट टर्न
70 मीटर रोड पे चल रहा है।